नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर हसनगंज पहुंचे जिलाधिकारी देवेंद्र पांडे। आज उन्नाव की हसनगंज तहसील के संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे उन्नाव के जिलाधिकारी देवेंद्र पांडे ने शिकायतों के कम होने पर खुशी जाहिर की और लोगों की समस्याओं के संपूर्ण रूप से समाधान हो जाने के कारण भी बताए। उन्नाव के हसनगंज तहसील के संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे जिलाधिकारी देवेंद्र पांडे ने समस्याओं के कम होने से शिकायतों के कम आने पर खुशी जताई। तहसील दिवस के चलते एक वृद्ध महिला ने जिलाधिकारी के सामने पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया। महिला ने कहा यदि उस तहसील दिवस के चलते एक वृद्ध महिला ने जब हंगामा किया तो उसको आवास व शौचालय नहीं दिया गया तो वह आत्महत्या कर लेगी। यह देखकर तहसील दिवस में बैठे सभी अधिकारी सन्न रह गए और किसी प्रकार से महिला को शांत करवाकर आवास व शौचालय दिलवाने का आश्वासन देते हुए महिला को ठंड से बचने के लिए एक कंबल भी दिया। उन्नाव से राजकुमार मिश्र की खास। मैं कहना चाहूंगा कि 5 लाख रुपए एक साल का स्वास्थ्य का बीमा का मिलता है, इसमें हमारी प्रगति अपेक्षाकृत कम है। इसके लिए तहसील दिवस में भी आज हमने कैंप लगवाया है और आप लोगों के माध्यम से मैं अपील भी करता हूँ रीजनल वासियों से कि वो चाहे सरकारी अस्पतालों में, जो हमारे इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल है वहाँ जा कर के, या सबसे आसान है कि हमारे पूरे जनपद में 700 हमारे कॉमन सर्विस सेंटर चल रहे हैं CSC, वहाँ पर चले जाएँ और 30 रुपया गोल्डन कार्ड बनवाने का रेट, जहाँ पर एक साल में 5 लाख रुपए का बीमा मिलना है, 5 साल में 25 लाख रुपए बीमा मिलना है, वहाँ पर 30 रुपया दे करके गोल्डन कार्ड बनवाने में क्या दिक्कत है? तो आदमी को चाहिए कि जा करके गोल्डन कार्ड बनवाए। उसके मन में भ्रम यह है कि जब ज़रूरत होगी बनवा लेंगे, यह गलत बात है। आदमी को बनवा के रख लेना चाहिए। ईश्वर न करे कि किसी को बीमारी हो, आजारी हो, उसमें जा करके उसको तत्काल स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल जाएगा। हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आम जनता को समझना चाहिए ये जो उसके लाभार्थी हैं कि साहब अगर जाएगा जिला अस्पताल या कहीं तहसील में आएगा, एक दिन मजदूरी नुकसान करेगा, किराया भाड़ा लगाएगा, आएगा 10-15 रुपये की चाय नाश्ता करेगा, ये सब बचत है। कॉमन सर्विस सेंटर जाए, 30 रुपया दे, अपना गोल्डन कार्ड बनवाए। ये सर सूची आप जानते हैं कि 2011 की जो सूची थी उसके आधार बना हुआ है, उसके लिए स्कीम है। हमने तकरीबन 56,000 लोगों की LOB भी बनवाई है, लेफ्ट आउट में सूची बनी हुई है, तो सूचियां बनी हुई हैं, आगे सेंक्शन होने पर उनको मिल जाएगा। और साथ साथ यह भी है कि जो सूचियों में नाम है भी उसमें कई लोग अपात्रों का नाम शामिल हो गया है, उनके काटने की भी कार्रवाई की जाएगी। तहसील में आधार कार्ड BRC में तो बच्चों के बनने थे, लेकिन वहाँ पर बोल दिया कोई आता है तो उसका बना दिया जाए, बाकी बैंकों में आधार कार्ड बनता है। ठीक है, उनसे बात करेंगे।